प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बताऊंगा, जिसे सीधे आप पौधों से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए तमाम अंग्रेजी दवाएं खाते हैं, एक बीमारी ठीक होती है और उसके दुष्प्रभाव से दूसरी बीमारी हो जाती है। किसान भाइयों, आप लोग अपने घर के आगे पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है, जिसे आप लगाते हैं और उसके फलों का सेवन करते हैं, जिसे हम पपीता के नाम से जानते हैं। पपीता बहुत ही लाभकारी पौधा है। पपीते के सब्जी खाने से कब्जियत दूर होती है, पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। इससे के पत्ते के रस से जो रस निकलता है वो कैंसर में लाभकर होता है। इनके फलों से हम निकाल लेते हैं रस, जिसे हम पेपेन भी कहते हैं। पत्ते का रस यदि हम डेंगू के पेशेंट को पिलाते हैं तो उनमें प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है और डेंगू ठीक हो जाता है। किसान भाइयों, पपीते के सूखे बीज के प्रयोग से अतड़ी में इकट्ठा विष निकल जाता है और ये अपेंडिसाइटिस में बहुत ही लाभकर होता है। किसान भाइयों, एक दूसरा बहुत ही अच्छा पौधा आपके बागीचे में होता है, जिसे अनार कहते हैं। इसका फल बहुत ही स्वादिष्ट होता है और जिनमें खून की कमी होती है उन लोगों को अनार का फल लेने की सलाह दी जाती है। अनार का छिलका का काढ़ा, पत्ती का काढ़ा टाइफाइड में और डेंगू में बहुत ही लाभ पहुंचाता है। इसके पत्तों का रस जब हम हथेली पर या तलवे में लगाते हैं तो हथेली और तलवे का जलन समाप्त हो जाता है। इसके फल की छाल खूनी बवासीर में बहुत ही लाभकर होता है। किसान भाइयों, दूसरी जो दवा है, दवा वाला पौधा है, वो है पुनर्नवा। जैसा कि इसका नाम है, इसके सेवन से शरीर नई हो जाती है। पुनर्नवा के जड़ से जॉन्डिस की बीमारी, जिसे कौरू रोग कहते हैं, उसके ताजे जड़ के रस से ये ठीक हो जाती है। और पुनर्नवा के पत्ते का साग खाने से या उसका रस पीने से किडनी की बीमारी ठीक होती है। ये बहुत ही लाभकारी पौधा है और ये कहीं भी बागीचे में या नाली के किनारे जहाँ थोड़ी भी नमी होती है ये ज़मीन पर फैलता है। इसकी पत्तियाँ थोड़ी मांसल होती हैं। किसान भाइयों, एक दूसरा पौधा है जिसे हम घास पात ही समझते हैं, उखाड़ के फेंकते रहते हैं, वह है जरामला। इस पौधे की पत्ती आंवले जैसी होती है, इसका फल भी आंवले जैसा होता है। इसको खाने से पेशाब की जो बीमारी होती है, पेशाब में दिक्कत होती है, वो दूर हो जाती है। और इसको खाने से भूख भी बहुत लगती है और पाचन क्रिया ठीक हो जाता है। किसान भाइयों, दूसरा एक वृक्ष है जिसे हम बिल्व कहते हैं या बेल कहते हैं और सिरफल कहते हैं। ये धार्मिक महत्व तो इसका बहुत है। आप सभी लोग जानते हैं कि बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा होती है और बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। साथ ही आप ये भी जान लें कि बेल के पत्ते का चूर्ण बवासीर के रोगियों के लिए अमृत के समान है। बवासीर के रोगी यदि इसके चूर्ण को लें तो बवासीर में काफ़ी लाभ होता है। बेल का मुरब्बा भी बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके सेवन से पाचन तंत्र ठीक रहता है। किसान भाइयों, आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी के दिनों में पक्के बेल का रस पीने से पेट ठीक रहता है और ये
शरीर को ताकत भी पहुंचाता है। किसान भाइयों, एक और पौधा है जिसको हम और आप जहर समझ के छोड़ देते हैं, उसका नाम है धतूरा। ये धतूरा के पत्ती को पानी में उबालकर ठंडा होने पर स्त्रियां, बच्चियां यदि अपने बाल धोएं तो सर में जुए नहीं पड़ेंगे। इसका एक और फ़ायदा है, यदि धतूरे के पत्ती को सरसों के तेल में उबाल लें तो इसके तेल के मालिश से जोड़ों के दर्द पर लगाने से दर्द कम हो जाता है। किसान भाइयों, आप अपामार्ग का नाम सुने होंगे, जिसे हमारे यहाँ भोजपुरी में चिचिड़ा कहते हैं। ये पृथ्वी पर वरदान स्वरूप पैदा होता है। मोटापा कम करने के लिए इसके पत्ती के चूर्ण का सेवन काफ़ी लाभप्रद होता है। ये बीज से बनी खीर काफ़ी स्वादिष्ट होती है और जिन्हें बहुत भूख लगती है वो समस्या दूर हो जाती है। इसके बीज के सेवन से खूनी बवासीर और माहवारी में जिन औरतों को अधिक रक्तस्राव होता है, इसके बीज के सेवन से काफ़ी लाभ होता है। किसान भाइयों, अपामार्ग के जड़ का चूर्ण यदि खाली पेट सुबह लिया जाए तो अस्थमा की बीमारी में बहुत ही लाभ होता है। जो लोग टाइफाइड से बहुत पीड़ित हों उसमें भी इसका चूर्ण खाने से टाइफाइड की बीमारी ठीक हो जाती है। किसान भाइयों, गर्मी के दिनों में जब हम बाहर निकलते हैं तो कब बिच्छू डंक मार ले हम खुद नहीं जानते हैं। यदि डंक जहाँ बिच्छू मारा हो वहाँ इसके रस को लगा करके और इसके जड़ को यदि रगड़ा जाए तो बहुत जल्दी ही बिच्छू का जहर असर कम कर देता है, उसका असर नहीं रह जाता है। किसान भाइयों, एक पौधा चांगेरी है, ये भी बहुत ही लाभकर होता है। इसको यदि गाय के घी में पकाकर खाया जाए तो प्रोलैप्स, जिसमें गर्भाशय बाहर आ जाता है महिलाओं में और गुदा से भी मांस बाहर निकलता है, ये बीमारी जो है इससे ठीक हो जाती है। इसी घी को गुदा और यौन में लगाने से प्रोलैप्स की समस्या ठीक हो जाती है। किसान भाइयों, मैं एक और पौधे के बारे में बताऊंगा जिसको आप अणुसा के नाम से जानते हैं। खांसी की कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा नहीं है जिसमें अणुसे की पत्ती का या अणुसे के सर्वांग का प्रयोग न होता हो। खूनी बवासीर के लिए इसके पत्तियों का चूर्ण बहुत ही लाभदायक है। बवासीर से परेशान लोगों को आप इसके सेवन का राय दे सकते हैं। जिन महिलाओं को मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो वो भी इसका सेवन करें तो रक्तस्राव कम होगा, उनके कमर में दर्द कम होगा, ऐठन कम होगा, ये सारा लाभ महिलाओं को प्राप्त होता है। किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा या लगा होगा देखने पर। आप इस जानकारी को अपने नाते रिश्तेदारों, अपने परिचितों को भी बताएं, उनसे कहें कि ये मेरा वीडियो देखें और लाभ उठाएं।